डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना। जैसा कि जानते हैं, अभी हम लोग 10th में मैथमेटिक्स में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को पढ़ रहे हैं, जो एक्सरसाइज 13.3 13.3 के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। 13.3 के क्वेश्चंस का अगर बात करें तो हम लोगों ने 6 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है, 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी, देख पा रहे होंगे यहाँ पे बेलनाकार बाल्टी बोला है, और इस बेलनाकार का मतलब हुआ बेलन, और इस बेलन की ऊंचाई 32 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या करना होगा, एक बेलनाकार बाल्टी बनाना होगा। ये बेलनाकार बाल्टी हो गया। अब इस बेलनाकार बाल्टी का अगर हम लोग सब चीज़ अगर बात करें तो सवाल में ही बोला है कि 32 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है, यानी कि h का वैल्यू 32 सेंटीमीटर ये बेलन की ऊंचाई है, और इसकी त्रिज्या का अगर बात किया जाए, आधार की त्रिज्या, तो 18 सेंटीमीटर है त्रिज्या, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक बेलन है जिसमें रेत भरा पड़ा है और इसकी ऊंचाई 32 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है। इसमें जो है रेत भरा पड़ा है, इसमें बालू ही बालू है, इसमें रेत भरा पड़ा है। सवाल ये उठता है कि इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है, मतलब क्या, इस बाल्टी में जो रेत भरा पड़ा है, जब हम लोग भूमि पर धरती पर इसको गिरा रहे हैं तो इस रेत का एक शंक्वाकार ढेर बनाई जाती है, यानी कि जो बेलन में जो बेलनाकार बर्तन में जो बाल्टी में रेत भरा हुआ है उसको जब हम लोग भूमि पर डालेंगे तो एक शंक्वाकार ढेर बन जाता है। उसका ऊंचाई जो है 24 सेंटीमीटर है, तो इसका त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। बहुत बढ़िया। अब इसमें से जो बालू निकल कर आ रहा है, बालू जैसे ही धरती पर रख रहे हैं तो एक शंक्वाकार ढेर जैसा बन जा रहा है, ये बालू का ढेर हो गया, और इसका हम लोगों को ऊंचाई दिया है कि शंकु की जो ऊंचाई है h वो 24 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, इसका ऊंचाई हम लोगों को दे दिया, तो बोला क्या कि आप जो है इसका क्या निकालिए, त्रिज्या निकालिए r बराबर वाट, और आपको तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को l कहते हैं, l का भी वैल्यू निकालना है। तो कुल मिलाकर हम लोग यहाँ से देख पा रहे होंगे कि बेलन के लिए जो त्रिज्या दिया है, बेलन के लिए आपको त्रिज्या दिया है, बेलन के लिए त्रिज्या 18 सेंटीमीटर, बेलन के लिए ऊंचाई यानी कि h दिया है आपको 32 सेंटीमीटर, शंकु के लिए अगर बात करें, शंकु के लिए त्रिज्या हमको निकालना है, त्रिज्या यानी कि r बराबर वाट, और तिर्यक ऊंचाई ये भी हमको निकालना है, तिर्यक ऊंचाई जिसको l से बोलते हैं ये भी निकालना है, और इसका h दिया है 24 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से अगर बात करें तो इसमें से जितना बालू निकलेगा उतना ही ना ढेर बनेगा, इसलिए हम बोल सकते हैं कि बेलनाकार बर्तन में बालू का आयतन, बराबर किसके होगा, तो शंक्वाकार ढेर का आयतन, यानी कि जो शंक्वाकार ढेर बन रहा है, शंक्वाकार ढेर का आयतन, शंक्वाकार बालू के ढेर का आयतन, शंक्वाकार बालू का ढेर का आयतन। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं बेलनाकार बर्तन में बालू, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई दोनों तरफ तो कट गया, सेम। अब इसमें बेलन के लिए आर कितना है, तो बेलन के लिए त्रिज्या है 18, तो 18 का स्क्वायर, बेलन के लिए ऊंचाई कितना है 32, तो 32 रख दिए, अब 1/3 तो 1/3 रहेगा, आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है, तो बेलन का त्रिज्या तो निकालना है,
तो आर स्क्वायर का आर स्क्वायर छोड़ देंगे, और इसमें ऊंचाई तो बेलन का ऊंचाई कितना है 24, तो 3 से काट देंगे, 3 8 24, और 8 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ 18 का स्क्वायर है, तो इधर लिख सकते हैं 18 × 18 × 32, ठीक है, बराबर आर स्क्वायर गुना में 8। तो कुल मिलाकर हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं, तो पता चल रहा है कि 18 × 18 कहाँ से आया, तो ये वाला 18 का स्क्वायर था, 18 × 18 = 32, तो 32। फिर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से आर स्क्वायर है, बराबर के बाद आर स्क्वायर गुना 8, ठीक है। अब ये जो गुना 8 है ये भागा 8 चल जाएगा, ये गुना में जो 8 है वो भागा में 8 चला जाएगा, तो यहाँ सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा, 8 चौका 32। आप क्या कीजिएगा, 18 18 और 4 को गुना कर दीजिएगा, ठीक है, 18 18 4 को गुना कर दीजिएगा, और आर का मान निकालना है, तो इधर स्क्वायर है ना, तो यहाँ से हटेगा, तो जितना गुना करके आएगा उसका रूट निकाल दीजिएगा, तो आर का वैल्यू निकल जाएगा, तो यहाँ हमको आर पता चल जाएगा, ठीक है। जब आर पता चल जाएगा तो ये वाला नीचे वाला हमको पता चल गया, ऊंचाई पता चल गया, तो तिर्यक ऊंचाई तो आराम से निकाल सकते हैं, तो तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला होता है √h² + r² जितना हाइट है 24, तो 24 का स्क्वायर + r² तो जितना r यहाँ पे आएगा रूट उसका निकाल लीजिएगा, जितना आएगा उसका स्क्वायर कर देना है, और इसको इसको जोड़ के फिर स्क्वायर रूट निकाल दीजिएगा, उतना मीटर सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये था क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 7। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, फिर देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। उसके बाद के क्वेश्चंस आप 8 नंबर देख पा रहे होंगे, लिखा है 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर/आवर की चाल से बह रहा है, 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। सबसे पहले हम लोग नहर के बारे में बात कर लेते हैं, नहर कितना है, 6 मीटर चौड़ी है और 1.5 मीटर गहरी है, गहरी मतलब उसका ऊंचाई, और इसमें जो पानी की चाल है वो 10 किलोमीटर/घंटा है। तो चलिए अगर मान लेते हैं कि ये हम लोगों का नहर है, नहर तो पता ही होगा कैसा रहेगा, ठीक है, ये नहर है, और इस नहर में के बारे में बात किया गया कि इस नहर की जो चौड़ाई है ये वाला, ये 6 मीटर है, यानी कि बी का वैल्यू 6 मीटर दे दिया, और गहराई, गहराई का मतलब ऊंचाई, ये वाला दे दिया हम लोगों को कितना, 1.5 मीटर, ठीक है। अब एक नहर में जो पानी बह रहा है, मान लेते हैं इधर से पानी जा रहा है, इधर से पानी जा रही है, इधर की ओर निकल रही है पानी, ठीक है, तो इधर से इधर पानी बह रही है, तो उसका वेग कितना है, पानी का वेग 10 किलोमीटर/आवर, 1 घंटा में 10 किलोमीटर, और हमको कितना घंटा, कितना मिनट बहाना है, 30 मिनट, तो आप बताओ 1 घंटा में 10 किलोमीटर, तो आधे घंटा, क्योंकि हमको तो सवाल पूछ रहा है कि 30 मिनट में कितना बहेगा, और 30 मिनट का मतलब हुआ आधा घंटा, आधा 1/2 घंटा। अब हमको 1 घंटा में, तो हम ये बोल सकते हैं कि 1 घंटे में बहे पानी = 10 किलोमीटर, इसलिए 30 मिनट, 30 मिनट मतलब आधा घंटा में बहा पानी कितना होगा, तो आधा, यानी कि 10 का आधा 5 किलोमीटर। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि चौड़ाई भी हमारा मीटर में है, ऊंचाई भी मीटर में है, तो क्यों ना ये जो लंबाई निकल रहा है इसको मीटर में कर दें, तो किलोमीटर्स को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करते हैं, तो कुल मिलाकर लंबाई हमको मिल गया 5000 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक लंबाई हो गया हम लोगों को 5000 मीटर, ठीक है। अब हम ये लिख सकते हैं, अब 30 मिनट
तीस मिनट में बहे पानी का आयतन कितना होगा? तो घनाभ का आयतन पता है ना, एल गुने बी गुना एच। तो एल का वैल्यू हो गया 5000 गुने बी का वैल्यू हो गया 6 गुने 1.5। जितना आएगा यहाँ पे गुना करके उतना मीटर क्यूब आयतन हो जाएगा जितना उस नहर में पानी बहा है। फिर क्या बोला सवाल में कि इसमें सिंचाई करने के लिए 8 सेंटीमीटर गहरा पानी की आवश्यकता है, तो नहर का क्षेत्रफल कितना होगा? आप बताइए। अब यहाँ लिखिएगा, अब नहर के लिए नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगा? ठीक है, अब एल बी एच, ठीक है, पुनः अगर बात किया जाए, पुनः पुनः चलना है आपको, और पुनः में क्या लिखिएगा, पुनः में हमको गहराई दिया है 8 सेंटीमीटर गहरा पानी, तो पुनः फिर एच दे दिया 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर हमको एच का वैल्यू पुनः दोबारा से दे दिया, और इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 8/100 यानी कि 8 में 100 से डिवाइड कर देते हैं तो एच निकल गया। अब हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा यहाँ आंसर आएगा, ये वाला जहाँ टिक किए हैं, ये किसका जगह पे आएगा? एल बी एच के जगह पे। एल बी एच बराबर जितना आएगा, ठीक है, अब की बार में एल बी को लिख दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं एल बी गुना में एच, अलग अलग लिख सकते हैं एल बी को एक साथ, एच को अलग, एक साथ, और जितना आएगा। एल बी क्या है? तो हमारा क्षेत्रफल, क्योंकि आपको पता है ना आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो इसी के जगह पे आपको क्षेत्रफल लिख देना है, यानी कि एल बी के जगह पे क्या लिख देना है, क्षेत्रफल गुना एच के जगह पे कौन सी, तो 8/100, ठीक है, और यहाँ पे जो भी आएगा, इसलिए क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल का वैल्यू निकालना है, लिख रहा है ना कि यहाँ पे 30 मिनट में नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगा, यानी कि क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि पुनः में एच का वैल्यू जितना दिया है उसको मीटर में बदल दीजिए, और एल बी एच का मान नहीं आया है, लेकिन अब की वाला एल बी के जगह पे इसको क्षेत्रफल बना लीजिए, और क्षेत्रफल का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इधर जितना टिक किया हुआ है तो यहाँ वाला आएगा, और यहाँ 8/100 है तो इधर जाएगा, तो गुना में हो जाएगा 100/8, तो इसको 100/8 से गुना कर देंगे, कुछ कटेगा तो काट उठ के फिर 100 से गुना कर देंगे, उतना मीटर क्यूब आंसर आएगा। तो इस तरीके से था ये क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हम लोगों को बस एक बात का ध्यान रखना था कि लंबाई कैसे निकालेंगे, तो यहाँ 30 मिनट में बोल रहा था तो 5 किलोमीटर होगा आधा, और उसको मीटर में बदल के आयतन निकाल दीजिएगा, फिर एक नया गहराई दिया था 8 सेंटीमीटर, उसको मीटर में चेंज कर लेंगे क्योंकि सब हम लोगों का मीटर में है, और फिर क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे। तो इस तरीके से था ये क्वेश्चन नंबर 8, और फिर चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में, तो क्वेश्चन नंबर आप 9 देख पा रहे होंगे, पढ़ सकते हैं, एक किसान अपने खेत में 10 मीटर व्यास और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर पाइप द्वारा नहर से जोड़ता है। सबसे पहले टंकी का बात कर लेते हैं, ये हम लोगों का टंकी है, ठीक है, टंकी कैसा है भाई, तो बेलनाकार है, ये टंकी है, ठीक है, ये है क्या टंकी, और इस टंकी के बारे में बात बोला कि इसका व्यास जो है टंकी का वो 10 मीटर है, ठीक है, टंकी का व्यास जो है 10 मीटर है, इसलिए टंकी के लिए त्रिज्या हो गया आधा यानी कि 5 मीटर। फिर क्या बोला कि 2 मीटर गहरी है, 2 मीटर गहरी है यानी कि इसका ऊंचाई एच बराबर 2 मीटर, यानी कि एच बराबर 2 मीटर। तो हम ये बोल सकते हैं कि टंकी में कितना कुल पानी है, तो टंकी में कुल पानी का आयतन, पानी का
आयतन कितना होगा भाई? तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई का वैल्यू, पाई छोड़ दीजिए क्योंकि हम लोगों को आगे फायदा होने वाला है, कटने वाला है, इसलिए आर स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर गुने 2, तो 5 का स्क्वायर 25 और 25 दूनी 50, तो 50 पाई हम लोगों को आयतन निकल गया। अब क्या बोला जा रहा है कि इसी टंकी से ना, इस टंकी से एक और पाइप जोड़ने वाले, तो अब हम लोग यहाँ पे पाइप निकालते हैं, ये पाइप बनाए हैं, ठीक है। ये पाइप के बारे में बोला कौन चीज, इसके बारे में भी ध्यान से समझ लीजिए। ये तो टंकी के लिए हम लोग निकाले ना कि टंकी का आयतन 50 पाई होगा मीटर क्यूब में, सब ध्यान रखिए मीटर में है। अब टंकी जो पाइप इससे जोड़ा गया है, जैसे मान लिया टंकी तो हम लोग छत पे बैठाते हैं और पाइप से जोड़ते हैं ना, नल जिसको कहते हैं, नल तक के पहुंचता है यही पाइप द्वारा ना। तो पाइप के बारे में बोला कि पाइप का आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर, देखिए इसका जो व्यास है पाइप का व्यास 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ लिख सकते हैं पाइप का व्यास 20 सेंटीमीटर, तो इसलिए पाइप के लिए त्रिज्या कितना होगा, तो 20 का आधा हो गया 10 सेंटीमीटर, लेकिन सेंटीमीटर ना है भाई, हमको तो मीटर में चाहिए, तो इसको 100 से डिवाइड करके मीटर में कर लेंगे, तो 0 से 0 कट गया, 1/10 मीटर हो गया आर के मान। फिर क्या बोला, एक नहर से जोड़ता है, यदि पाइप में पानी जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब आता है, यानी कि इसमें जो पाइप में से पानी जो आ रहा है, देख रहे हैं ये पाइप में पानी जो आ रहा है वो 3 किलोमीटर पर घंटा में आ रहा है, यानी कि पाइप में पानी की चाल कितना है, 3 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि 1 घंटा में, एक एच एच मैंने घंटा हावर, 1 घंटा में बहा पानी कितना, 1 घंटा में पानी बहेगा तो 3 किलोमीटर नहीं। अब हम इसको 1 घंटा के बजाय इसको हम लोग बदल सकते हैं मिनट में, तो 1 घंटा में तो 60 मिनट होता है, 60 मिनट में बहा पानी कितना होगा, किलोमीटर है तो इसको मीटर में बदलने के लिए 3000 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो 60 मिनट में कितना पानी बहेगा, 3000 मीटर, ठीक है। अब इसलिए 1 मिनट में कितना पानी बहेगा भाई, तो 1 मिनट में कितना पानी बहेगा, तो 3000 में 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कटेगा 50 मीटर, ठीक है। तो यहाँ देख पा रहे होंगे कि 1 मिनट में कितना पानी बहेगा, 50 मीटर। हम इसलिए निकाल सकते हैं कि 1 मिनट में, 1 मिनट में बहे पानी का आयतन, 1 मिनट में कितना पानी बहेगा उसका आयतन निकालेंगे, तो पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए पाई का वैल्यू तो पाई रहने दीजिए, आर का स्क्वायर, तो इसका आर कितना आया है, 1/10 का होल स्क्वायर इंटू एच, यही ना, एच मतलब ऊंचाई, तो अब ऊंचाई कितना हो गया, 50 मीटर, तो यहाँ क्या कर देंगे, इंटू 50, तो कुल मिलाकर कितना आया, 1/100 × 50 × पाई, पाई तो पाई रहेगा, 1 0 से 1 0, तो यहाँ हो जाएगा 0.5 पाई मीटर क्यूब। ये कितना मिनट में भाई, तो 1 मिनट में। अब हम आगे बात कर बता रहे हैं, इसका सॉल्यूशन नीचे दिखा रहे हैं, 1 मिनट में ना इतना पानी बह रहा है, वो पानी का आयतन हो रहा है, लेकिन हम लोगों को तो समय नहीं पता, वो बोल रहा है कि कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी, यानी कि हम मान लीजिए कि माना कि समय बराबर टी, ठीक है, जब 1 मिनट में इतना आयतन हो रहा है, इसलिए टी मिनट में बहे पानी का आयतन, अब टी मिनट में कितना आयतन होगा, तो इसको टी से गुना कर दीजिए, 0.5 पाई टी मीटर क्यूब। अब
प्रश्न से आप देखिए, तो जितना टंकी में पानी का आयतन होगा उतना ही ना बहाव का पानी होगा। प्रश्न से टंकी में पानी का आयतन बराबर, टंकी में जितना पानी है उसका आयतन बराबर टी मिनट में बहे पानी का आयतन, यानी दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि जो टंकी से पानी बहेगा या फिर टंकी में भरेगा पानी, दोनों तो उतना ही पानी होगा। तो टंकी में पानी का आयतन कितना है पहले ही निकाले हैं, 50 पाई मीटर क्यूब। और टी मिनट में बहा पानी कितना है, तो टी मिनट में है 0.5 पाई टी मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब दोनों तरफ है कट गया, पाई पाई दोनों तरफ है कट गया, इसलिए 0.5 टी बराबर आया 50। इसलिए टी का मान के लिए क्या करेंगे, 0.5 से भाग कर देंगे। तो अब जानते हैं ना कि पॉइंट हटता है तो ऊपर एक जीरो जाएगा, तो 500 बटा में इधर बच जाएगा 5, तो आंसर आ जाएगा 100 मिनट। 100 मिनट का टाइम लगेगा। अब 100 मिनट को हम क्या कह सकते हैं, तो 100 मिनट को आप कह सकते हैं एक घंटा, एक घंटा में 60 मिनट और 40 मिनट। तो एक घंटा 40 मिनट का टाइम लगेगा तब वो जाकर टंकी जो है भर जाएगा। क्योंकि आप 100 मिनट कहिए चाहे एक घंटा 40 मिनट कहिए, क्योंकि एक घंटा में तो 60 मिनट होता है, 60 और 40 मिलके 100 हो गए। तो देख लीजिएगा कि किस फॉर्म में आंसर है, 100 मिनट लिखा है कि एक घंटा 40 मिनट लिखा है, दोनों ही आंसर सही है। तो दोस्त 13.3 जो एक्सरसाइज आप देख रहे हैं, ये हम लोगों का अच्छे तरीके से पूरी क्वेश्चन से यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब एक और एक्सरसाइज बचा है 13.4, उसको हम अगले दिन डिस्कस करेंगे। पहले जो भी फार्मूला होगा समझने के लिए, पहले उन फार्मूला को समझेंगे। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।